हाय फ्रेंड्स, इन दिस सेशन विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रेडॉक्स। में इस प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर रेडॉक्स के रिएक्शन को डिस्कशन करेंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट अप्रोच है जिंक रॉड इन अ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। वंस अगेन, जिंक रॉड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? मीन्स बेसिकली ऐसा कुछ पिक्चरल डायग्राम बनेगा। देयर इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड उसके अंदर हमने जिंक रॉड डिप किया हुआ है। देखते हैं क्या है। केमिकल रिएक्शन बन रहा है Zn सॉलिड, क्योंकि जिंक का रॉड सॉलिड में है, कॉपर सॉल्यूशन में। दैट्स व्हाई इट्स कॉपर प्लस टू इन एक्वियस, मींस उसका सॉल्यूशन है। अब रिएक्शन बन रहा है, उसमें बन रहा है Zn प्लस टू एक्वियस एंड कॉपर इज एन सॉलिड। बेसिकली क्या हुआ, Zn से Zn प्लस टू दैट इज ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन का अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। Zn गिव्स Zn प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। सामने अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन का रिएक्शन होगा। रिडक्शन का रिएक्शन क्या होगा, कॉपर प्लस टू सॉल्यूशन में है तो कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब नेट रिएक्शन कैसे बनेगा, नेट रिएक्शन इन दोनों को कैंसिल कर लो तो ये बन गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। बट ये बन गया आपका हाफ रिएक्शन, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। हाफ रिएक्शन जब कंबाइन करोगे आपका रेडॉक्स बन जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर अभी भी क्लियर नहीं तो आप एक एक करके लिख सकते हो। This is oxidizing, that is Zn gives Zn plus 2, that is oxidation. Cu plus 2, plus 2 electron gives copper, that is called as reduction. So here in case loss of electron definition ke according, this is oxidized. Here in case gain of 2 electron, that is called as reduced. Fine, ab ye chemical reaction ho raha hai, to chemical reaction ke andar kya ho raha hai? To initially, thoda sa hum practical approach discuss karte hai, kya kis hisab se ho raha hai. First, jaise hi copper rod deep kiya hai, जिंक रॉड डिप किया हुआ है कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर, तो कॉपर का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, जिंक का जो रॉड है वो ऑलमोस्ट व्हाइट है, या फिर आप बता सकते हैं सिल्वरी शाइनी कलर का होता है। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे 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 केमिकल रिएक्शन होता जाएगा तो फाइनल आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर डिपोजिट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द रॉड। तो ये जो रॉड का लोअर पार्ट है उसके ऊपर कॉपर जो है वो डिपोजिट होता जाएगा। एंड दूसरा जो ओरिजिनल ब्लू इंटेंस कलर ऑफ सॉल्यूशन था वो धीरे 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 कलरलेस हो जाएगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा हुआ, धीरे धीरे जिंक का जो एटम था वो सॉल्यूशन में चला गया और सॉल्यूशन से कॉपर का जो था वो जिंक में चला गया। विल टेक द पिक्चरल डिस्कशन, शायद और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, दिस इज अ इनिशियल रिएक्शन। इनिशियल रिएक्शन के अंदर क्या है, तो बिकर के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन भरा पड़ा हुआ है कॉपर नाइट्रेट का, और उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जिंक का रॉड डीप किया हुआ है। अब केमिकल रिएक्शंस धीरे 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 प्रोसीड होता जाएगा। जैसे ही केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होता जाएगा आप देखिएगा नीचे का जो कलर है वो कलर चेंज हो गया, वो बन गया ब्राउन, और इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जो डार्क ब्लू था उसमें से फेंट ब्लू हो चुका है एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। दिस इज क्लियरली शोन के नीचे का पार्ट का जो रॉड है वो क्लियरली इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। ऊपर का देखिए सिल्वरी शाइनिंग मटेरियल है, और इनिशियली जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो सॉल्यूशन का कलर डिसअपियर हो चुका है एंड कलरलेस बन चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो रेडॉक्स का था। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट है कॉपर रॉड डीप इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो वंस अगेन पिक्चरल डायग्राम, बीकर के अंदर जिंक सल्फेट भरा पड़ा हुआ है। जिंक सल्फेट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर व्हाइट कलर का होता है, एंड कॉपर इनिशियली ब्राउन कलर का होता है। तो पूरा जो रॉड होगा वो ब्राउन कलर का होगा। बेसिकली देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक घंटे दो घंटे तक भी रखोगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर हमें और भी कुछ तरीके से कंफर्म करना है, तो आप कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हो, यहां से H2S गैस होलो पाइप की वजह से अंदर डालते रहिए। मींस कंटिन्यूएशन यू यहां से आप H2S गैस बबलिंग करवाइए। जैसे ही आप यहां पे H2S गैस बबलिंग करवाएंगे, जो अगर कॉपर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मीन्स रॉड में से कॉपर डिपॉजिट यहां पे अंदर गया होगा सॉल्यूशन में, तो यू गेट ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट ऑफ CuS। But there is no precipitate, no black PPTs of CuS while passing H2S gas. This का मतलब there is no chemical reactions takes place.
मीन्स कॉपर रॉड के ऊपर से कॉपर सॉल्यूशन में गया ही नहीं है, एंड जिंक के सॉल्यूशन के अंदर से जिंक डिस्प्लेस होके कॉपर के रॉड पर नहीं बैठा हुआ है, सो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। अब वंस अगेन फिर से पिक्चर और डायग्राम डिस्कस करते हैं तो पता चल जाएगा। सी सी दिस इज द फिगर, क्लियर कट सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, उसके अंदर कॉपर रॉड डीप किया हुआ है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब यही केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है वो कंफर्म करने के लिए हमने ऊपर से होलो पाइप से H2S गैस पास किया। अब H2S गैस पास करने पे भी अंदर कोई ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं हो रहे हैं, नो ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ CuS इज फॉर्म। सो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम के अंदर कॉपर मीन सॉल्यूशन के अंदर कॉपर नहीं गया हुआ है, एंड जिंक के सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर के स्ट्रिप में नहीं गया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट कॉपर रॉड इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, थर्ड एक्सपेरिमेंट। वंस अगेन सेम कंडीशंस, बिकर के अंदर हमने क्या भरा बड़ा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वियस सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने डीप क्या किया हुआ है, कॉपर का रॉड। अब इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज में क्या होगा, इनिशियल स्टेज मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब कॉपर का रॉड है ऑब्वियसली, तो रॉड का कलर होगा ब्राउन कलर का, एंड सॉल्यूशन एज ए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट वाटर वाइट क्लियर होगा, तो दैट इज कलरलेस सॉल्यूशन। अब इसको आधे घंटे पौने घंटे एक घंटे के बाद जो अगर हम थोड़ा सा चेक करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो फाइनल स्टेज के अंदर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में मुझे देखने को क्या मिलता है, रॉड का जो लोअर बॉटम पार्ट है मीन सॉल्यूशन के अंदर जो डीप किया हुआ पार्ट है उसके ऊपर सिल्वर डिपोजिशंस देखने को मिल रहा है, मीन्स ये जो लोअर बॉटम पार्ट है उसके ऊपर सिल्वर डिपोजिशंस हो रहा है, एंड सॉल्यूशन जो इनिशियली कलरलेस था वो धीरे 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 लाइट ब्लू एंड थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ते हुए डीप ब्लू की तरफ जा रहा है। इट क्लियरली शोज दैट केमिकल रिएक्शन हुआ है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, कॉपर के रॉड के ऊपर से कॉपर धीरे 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 सॉल्यूशन में जाते हुए दिखाई दिए, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर धीरे 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 रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते दिखाई दे रहे। वंस अगेन एक बार पिक्चर और डायग्राम डिस्कस करते फिर लास्ट में उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। सो दिस इज अ क्लियर फिगर, यू हैव अ सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वाटर वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, एंड कॉपर का रॉड विच इज ब्राउन इन कलर। अब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस होता जाएगा आप देखिएगा कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और रॉड के ऊपर सिल्वर ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ कलर इज इंक्रीजेस, दैट इज ब्लू कलर, एंड रॉड के ऊपर फोकस कीजिए रॉड का जो कलर है। सो जो रॉड का नीचे का बॉटम पार्ट जो है जो सिल्वरी होने लगा है, मींस कहने का इंटेंशन देखिए इंटेंसिटी और इंक्रीज हो रही है, सिल्वर कलर इंक्रीजेस एज वेल एज ब्लू कलर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो नाउ वी मूव ऑन टू दिस केमिकल रिएक्शन, हो क्या रहा है, सो कॉपर प्लस Ag, कॉपर प्लस 2 to Ag, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वन स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अनदर स्पीशीज गोज रिडक्शन, मीन्स कॉपर से कॉपर प्लस 2 हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड, Ag प्लस से Ag सॉलिड बन रहा है, मीन्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज रिड्यूसेस, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे वाले केस के अंदर क्या हुआ था, Zn एंड कॉपर के बीच में वो डिस्कशन करते हैं। Zn एंड कॉपर के बीच के अंदर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 NCu, Zn से Zn प्लस 2 दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड Cu प्लस 2 टू Cu दैट इज नथिंग बट रिडक्शन। सो फाइनल इंटेंसिटी हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे तीन मेटल के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉपर सिल्वर एंड जिंक। अब थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा हियर इन केस जो कॉपर जो है दोनों तरफ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन है, तो एक सिल्वर है और दूसरा कॉपर है। सो सेकेंड केस के अंदर और फर्स्ट केस के अंदर कॉपर का अगर आप देखोगे सिनेरियो, तो फर्स्ट केस के अंदर कॉपर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर प्लस 2, दूसरे केस के अंदर कॉपर गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस, तो सर ये तो क्या बात हुई, एक रिएक्शन में वो गेन कर रहा है एक रिएक्शन में वो लॉस कर रहा है। सो हियर इन केस यू कैन से दैट कॉपर इज इन बिटवीन Zn एंड Ag, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक पूरा सीरीज रिएक्टिव मेटल सीरीज का एक सीरीज दिखाया गया था
नॉन मेटल से मेटल की तरफ में मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव मेटल का एक पूरा चार्ट था, वो चार्ट आपको याद रखना था। तो यहाँ पे भी हम यही डिस्कशन करना चाहते हैं कि टेंडेंसी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक दिस, मीन्स टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन Zn इज ग्रेटर देन टू दिस, कॉपर इज ग्रेटर देन टू दिस Ag। तो मैं डियर यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा था, ये सारी आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई थी। सो देखिए, स्टार्टिंग विद पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ऑब्वियसली लास्ट तीन जो मेटल है दैट इज लेस रिएक्टिव, इसीलिए वही मेटल को हम बोलते हैं नोबल मेटल, इसलिए उसी मेटल के गहने बनते हैं। अगर वो रिएक्टिव होने लगे तो फिर सारे के सारे जो गहने हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट करने लगेंगे। सो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम सबसे लोएस्ट है, दैट इज लेस रिएक्टिव, एंड मोस्ट रिएक्टिव देखिए पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जो तीन डिस्कशन की है वो फोकस कीजिए कहाँ कहाँ आ रहा है। जिंक यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, फाइन, और Ag यहाँ पे आ रहा है इन बिटवीन कॉपर। तो कॉपर हमने जो अभी आगे पढ़ा, कॉपर इज बिटवीन Zn एंड Ag, सो दैट इज अवर, हमने जो लास्ट में ऑर्डर बताया था टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन वो इस हिसाब से था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल अप्रोच टू दिस रेडॉक्स। सो दोस्तों, इन सेशन के अंदर, आज के सेशन के अंदर हमने पढ़ा प्रैक्टिकल अप्रोच, मीन्स रिएक्टिविटी मेटल सीरीज पूरी पढ़ी हमने, मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तक गए हम। क्यों? क्योंकि यही कंसेप्ट आगे आपको जब हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे रेडॉक्स से तब काम में आएगा। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल अप्रोच टू दिस रेडॉक्स। नेक्स्ट सेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हार्ट ऑफ रेडॉक्स, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना आना चाहिए, इसीलिए लास्ट चैप्टर चैप्टर 3 के अंदर हमने थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस किया था, वही चीज हमें पढ़नी है, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एंड ऑक्सीडेशन नंबर अगर एक बार ढूंढना आ गया तो रेडॉक्स बैलेंसिंग 50% यहीं पे क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन, नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन नंबर।